किसी भी वेब एप्लीकेशन का अगर हमें फ्लो देखना है तो एक हाई लेवल पे हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि कोई वेब एप्लीकेशन है, जो हमने कंप्लीट किया है, जैसे ये स्पेशल एट का वेब एप्लीकेशन था, वो कैसे प्रोसेस हो रहा था, एक हाई लेवल पे अगर हम इमेजिन करें तो कैसे दिख रहा है, रिक्वेस्ट कैसे ट्रैवल हो रही है, कहाँ से कहाँ पे जा रही है, हम ऐसे इमेजिन कर पा रहे हैं उस चीज को, एक हाई लेवल आर्किटेक्चर अगर देखा जाए तो। यस सर, यस, मतलब कैसे होता था, जैसे कि चलो किसी भी वेब एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं ना, हम वेब एप्लीकेशन की बात करें, कौन सा भी वेब एप्लीकेशन लो, उसमें क्लाइंट एंड सर्वर साइड तो रहेगी ही, राइट? मतलब एक ऐसा क्लाइंट होगा कुछ, तो क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, ओके क्लाइंट, ये जो है ना ये हाई लेवल आर्किटेक्चर देख रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ये हमारा सर्वर जिसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ओके। अब जब रिक्वेस्ट पास होगी तो पर अभी जैसे कि देखो हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट पास कर रहे हैं, तो यहाँ से रिक्वेस्ट कैसे जाती है, लोकल होस्ट पहले तो यहाँ पे जाएगी सर्वर के पास, ये कैसे पॉसिबल है, हम यहाँ पे देते हैं लोकल होस्ट, जैसे कि यहाँ पे ही देते हैं लोकल होस्ट नहीं बात करेंगे, यहाँ पे एक्चुअली में देना पड़ता है डोमेन या फिर आईपी एड्रेस, बट अभी एक ही सिस्टम के अंदर है तो लोकल होस्ट चल जाता है, ठीक है? मतलब सिस्टम का आईपी या फिर लोकल होस्ट कोलन उसका पोर्ट, लोकल होस्ट कोलन 8080 स्लैश पी। अब किस प्रोजेक्ट के पास जाना है ये तो ये पी डिसाइड करेगा, मतलब पोर्ट के आगे जो होता है स्लैश होता है प्रोजेक्ट का नाम, स्लैश उस प्रोजेक्ट के अंदर सर्वलेट्स रहेंगे, यस राइट? उस सर्वलेट के पास या फिर पेजेस रहेंगे। अभी एक प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या हो सकता है, फ्रंट एंड की साइड एंड बैक एंड की साइड, मतलब जेएसपी एंड सर्वलेट, अगर हम जेएसपी सर्वलेट की बात करेंगे तो, राइट? मतलब यहाँ पे जो प्रोजेक्ट के अंदर जो है पी के बाद यहाँ पे स्लैश या तो जीएसपी पे जा सकता है या फिर कोई सर्वलेट का नाम, तो यहाँ पे डिसाइड हो रहा है कि कहाँ पे जाना है। अगर हम ऐसा करते हैं लॉगिन, तो यहाँ पे कुछ भी हमने एक्सटेंशन नहीं दिया, तो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट किसके लिए, सर्वलेट के लिए, मतलब पता चल रहा है ना कि हमें कहाँ पे जाना है, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर किसी सर्वलेट के पास जाना है, तो ये हिट करेगा, करेक्ट? बट जो हम यहाँ से रिक्वेस्ट पास करते हैं, कैसे पता चलता है कि वो जो हम ये सर्वलेट दे रहे, सर्वलेट का नाम दे रहे, ये रिक्वेस्ट का नाम दे रहे, ये इस प्रोजेक्ट के अंदर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये समझ आया? कैसे पता चला कि इस प्रोजेक्ट के पास जाने के बाद वो सर्वलेट है या नहीं, करेक्ट? मतलब इसके अंदर इंटरनल आर्किटेक्चर समझना चाहिए। यस सर, यस, हाई लेवल आर्किटेक्चर अगर हम देखते हैं तो समझ रहा है, जब हम प्रोजेक्ट करते हैं कभी तो ऐसे ऊपर ऊपर से देखते हैं, डायरेक्टली हम कंट्रोलर ओपन करते हैं, डायरेक्टली हम सर्वलेट ओपन करते हैं, जैसे कि अगर ये रिक्वेस्ट हम फायर कर रहे हैं, सो हम डायरेक्टली इस प्रोजेक्ट के अंदर आके, कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे, इस प्रोजेक्ट के अंदर आके डायरेक्टली वो सर्वलेट ओपन करके देख रहे थे, बट ये हमें देखने के लिए दिखता है हाई लेवल आर्किटेक्चर में, बट ये इंटरनली कैसे वर्क होता होगा ये जानना है अब हमें, करेक्ट? यस सर, ये तो रिक्वेस्ट जाएगी, यहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है? ये तो होगा किसी भी वेब एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर, एक हाई लेवल आर्किटेक्चर अगर बोलेंगे तो ऐसा है, ऐसा ही दिख रहा है हमें, क्लाइंट से रिक्वेस्ट जा रही है, प्रोसेस होके एक डायनामिक रिस्पॉन्स जनरेट होके क्लाइंट को मिल जाएगा, क्लियर? बट यस अगर यस, इसमें किसी को डाउट? नो।
मतलब वेब एप्लीकेशन ऐसा ही वर्क होता है, राइट? ओके ठीक है। अब हम अगर बात करते हैं एमयूसी इंटरनल आर्किटेक्चर, इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो सकता है ये। दिख रहे हैं सबको? यस यस स्क्रीन एमएससी। ओके स्क्रीन एमएससी इंटरनल आर्किटेक्चर, तो यहाँ पर भी वैसा ही होगा कुछ तो, पर देखो कुछ डिफरेंसेस है कि जैसे कि रिक्वेस्ट तो पास होने वाली है, मतलब ये वाला पार्ट तो फिक्स रहेगा। कौन सा? ये कैसा कुछ तो हमारे पास क्लाइंट रहेगा, मतलब रिक्वेस्ट तो क्लाइंट से ही जाएगी, मतलब ये पार्ट तो फिक्स रहेगा। यस सर। यस ओके। बट यहाँ पे ना जो रिक्वेस्ट हम देखते हैं हाई लेवल आर्किटेक्चर में जो देखते हैं हम, हमें जो ऐसा लगता है कि ये जो क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट जाती है वो डायरेक्टली सर्वर के पास जाती है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे ना जो रिक्वेस्ट पास होती है तो सर वो कंट्रोलर के पास जाने के पहले क्या होता है, वो रिक्वेस्ट कहाँ से होकर जाती है, बीच में जाता है फ्रंट फ्रंट कंट्रोलर, इसे क्या बोलेंगे हम, फ्रंट कंट्रोलर। मतलब कोई भी रिक्वेस्ट अगर पास हो रही है, जैसे हमने, हमें अगर सिंपल एक पेज भी ओपन करना है, बट पेज हमने कहाँ पे रखा, हमने पेजेस रखे थे सर्वर साइड पे, हमारे कंट्रोलर्स हमारे सर्विसेस सब कुछ जो प्रोसेसिंग वाला काम है हमने सर्वर साइड पे रखा है। हम क्लाइंट से सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक यूआरएल पास कर रहे हैं, तो जब भी यूआरएल पास होगा पहले जाता है इसके पास फ्रंट फ्रंट कंट्रोल कंट्रोलर, तो जब भी रिक्वेस्ट जाएगी पहले फ्रंट कंट्रोलर के पास जाएगी। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे फ्रंट कंट्रोलर। ओके बोल सकते हैं फ्रंट कंट्रोलर। ओके चलो, मतलब रिक्वेस्ट कहाँ पे आने वाली है, स्टार्टिंग में फ्रंट कंट्रोलर के पास। फ्रंट कंट्रोलर की इसी को बोला जाता है डिस्पैचर, सर्वलेट डिस्पैचर। इसका नाम क्या है? सर्वलेट डिस्पैचर। मतलब जो भी रिक्वेस्ट आएगी सर्वलेट डिस्पैचर थ्रो या होके जाएगी, या तो ऐसा बोलो कि फ्रंट कंट्रोलर से, मतलब जो बैकएंड का कंट्रोलर हम जो समझते हैं, वहां पे जाने से पहले रिक्वेस्ट कहाँ पे आती है, फ्रंट कंट्रोलर के पास। अब चलो मान लेते हैं कि रिक्वेस्ट जो है, जैसे कि हमने रिक्वेस्ट कौन सी लिखी थी, अभी ये लोकल होस्ट नहीं लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मान लेते हैं स्लैश LOGIN, ये रिक्वेस्ट जाने वाली है तो कहाँ पे आएगी, पहले फ्रंट कंट्रोलर के पास। बट ये प्रोसेसिंग के लिए हम ऐसा देखते हैं कि किसी कंट्रोलर के पास जा रही है प्रोसेसिंग के लिए, कहीं पे तो वो रिक्वेस्ट मैपिंग ऐसा कुछ तो लिखा होगा, राइट? मतलब हमारा बैकएंड वाला कंट्रोलर, जो मेन कंट्रोलर है, जो प्रोसेस करने वाला कंट्रोलर है, उसके पास जा रही है। बट जो रिक्वेस्ट आ रही है स्लैश लॉगिन फ्रंट कंट्रोलर के पास, अब फ्रंट कंट्रोलर को कैसे पता कि कंट्रोलर कहाँ पे रखा है, हमने किस पैकेज में रखा है, करेक्ट? ऐसे यस सर। पैकेज के अंदर रखेंगे, कहीं पे तो रखेंगे ना, तो फ्रंट कंट्रोलर को कैसे पता चल रहा है कि कितने सारे कंट्रोलर्स हैं, कौन से कंट्रोलर में किसकी मैपिंग की है। हो सकता है हमारे पास चार पांच कंट्रोलर हो, करेक्ट? और उस चार पांच कंट्रोलर में से किसी एक कंट्रोलर के अंदर हमने इसकी मैपिंग की हुई, राइट? और ऐसा भी हो सकता है कि दो ऐसे कंट्रोलर है जिसके अंदर इसकी सेम मैपिंग की हुई है, करेक्ट? ये समझा यस सिनेरियो जो यस हमने सर। कल डिस्कस किया था, अगर जैसे कि दो कंट्रोलर है जिसके अंदर इस स्लैश लॉगिन की मैपिंग की है, सेम एग्जैक्ट मैपिंग, तो ये रिक्वेस्ट जो ट्रावर्स करेंगे हम, रिक्वेस्ट जो पास करेंगे, यहाँ तक तो आएगा ही नहीं, मतलब हमारा प्रोजेक्ट ही स्टार्ट नहीं होना चाहिए अगर हम दो कंट्रोलर के अंदर सेम मैपिंग करते हैं, सेम रिक्वेस्ट का मैपिंग करते हैं, तो प्रोजेक्ट स्टार्ट ही होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के तो एम्बिगुइटी आनी ही वाली है,
तो पहले ही कैसे पता चलता है, हम देखेंगे वो करके, तो पहले ही कैसे कैसे पता चलता है कि एम्बिगुइटी आने वाली है, कौन से कंट्रोलर्स है, कौन सी रिक्वेस्ट है। हम तो रिक्वेस्ट पास भी नहीं कर रहे, राइट, हम रिक्वेस्ट पास भी नहीं करेंगे, फिर भी पता चलेगा कि दो कंट्रोलर है जिसके अंदर एक रिक्वेस्ट की सेम मैपिंग की हुई है। तो ये कैसे पता चलता है, ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, जो भी हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, जैसे स्लैश लॉगिन रिक्वेस्ट सेंड की, फ्रंट कंट्रोलर के पास भी आ गई। अब फ्रंट कंट्रोलर को कैसे पता चलेगा किस कंट्रोलर में जाके हमें उस रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करना है, राइट, राइट सर, क्योंकि यस, क्योंकि फ्रंट कंट्रोलर को पता नहीं ना बैकएंड में कौन से कंट्रोलर्स है, राइट, राइट यस। सर, ये फ्रंट एंड का कंट्रोलर यानी क्या होता है एग्जैक्टली? सर्वलेट डिस्पैचर आपने पढ़ा है, सर्वलेट डिस्पैचर, जेएसपी सर्वलेट में आपने देखा होगा, सर्वलेट डिस्पैचर, हाँ, वो फॉरवर्ड वगैरह करते हैं। यस यस वही, नहीं, वो रिक्वेस्ट डिस्पैचर है, फॉरवर्ड वाला। सर्वलेट डिस्पैचर अगर वेब एक्सएमएल से करते ना तो वहाँ पे वर्ड सुनने में आता, सर्वलेट डिस्पैचर मतलब वही फ्रंट जो भी रिक्वेस्ट है वो हैंडल करने का काम। अभी तो कैसे किया आपने, जेएसपी सर्वलेट के अंदर एनोटेशन बेस किया ना सब, तो सर्वलेट डिस्पैचर का मतलब वहाँ पे वेब एक्सएमएल में हम नहीं देख पाए उसे, बट अब हम यहाँ पे देखेंगे वेब एक्सएमएल के अंदर वो सर्वलेट डिस्पैचर देखेंगे। ओके, जेएसपी सर्वलेट के अंदर अगर हम वेब एक्सएमएल की थ्रो करते ना तो वहाँ पे आपको ये दिखाई देता सर्वलेट डिस्पैचर है क्या। सर यानी आप वो बोले थे कि वो डायनेमिक मैपिंग 3 से कम लिया तो वो एनोटेशन बेस्ड नहीं होता, वही है क्या ये? नहीं, इनसे कम मतलब, वो सर कुछ तो था ना कि प्रोजेक्ट हम जब डायनेमिक कर रहे थे तो 3.1 से यस यस सिलेक्ट यस, किया वर्जन था। वर्जन, राइट राइट हाँ राइट, वर्जन, वर्जन की बात कर रहे हो क्या? तो आपने ओके बोले 3 से आगे होगा तो वो एनोटेशन बेस्ड होता है। यस, बट उसमें भी बैकग्राउंड में सर्वलेट डिस्पैचर रहता है, जो एनोटेशन होता है ना एट वेब सर्वलेट, ओके, हाँ कैसे मैप करता है उसको, उसको कैसे पता चलता है, तो वो सारी रजिस्टर हो जाते हैं एक जगह पे। ओके, तो वहां पर भी सर्वलेट डिस्पैचर था बट हमने वेब एक्सएमएल नहीं लिखे थे ना तो देखने में नहीं आया, बट इस प्रोजेक्ट में आपको वो दिखेगा सर्वलेट डिस्पैचर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ओके यस, सो अभी तो इतना ही याद रखो कि जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो फ्रंट कंट्रोलर के पास आएगी, सर्वलेट डिस्पैचर के पास। अब जो रिक्वेस्ट है वो उसको हमें लेके जाना है सर्वर साइड पे, जो एक्चुअल में कंट्रोलर है बैकएंड वाला उसके पास, बट हमें पता नहीं है कि वो कंट्रोलर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। सो हम क्या करेंगे, एक थर्ड पार्टी की, ऐसा बोल सकते हो एक थर्ड पार्टी है जो इसे हेल्प करेगी। तो ये रिक्वेस्ट अब ट्रावर्स होगी, पहले तो ये जाएगी रिक्वेस्ट हैंडलर के पास, या उसे बोल सकते हो हैंडलर मैपर या हैंडलर मैपिंग, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये रिक्वेस्ट कहाँ पे जाने वाली है, अब हैंडलर के पास, ओके, रिक्वेस्ट आ गई हैंडलर मैपिंग के पास। अभी रिक्वेस्ट इसके पास क्यों आई, क्योंकि जब भी हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, रन करेंगे, राइट क्लिक करके रन करेंगे प्रोजेक्ट, तो उसी समय प्रोजेक्ट के जो लॉग्स दिखते हैं, जो रेड लाइन में आता है ना कंसोल पे, वो जो चल रहा है इसका मतलब कुछ तो प्रोसेसिंग हो रही है, राइट। तो उस समय होता क्या है, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी कंट्रोलर है, अभी कंट्रोलर कैसे पता चलेंगे, प्रोजेक्ट के अंदर जिस भी डॉट जावा के अंदर हमने ये क्लास लिखेंगे ना ऐसा कुछ, तो और जिस किसी भी क्लास को हम अनोटेट करेंगे एट कंट्रोलर, तो वो बन जाएगा हमारा कंट्रोलर। तो ऐसे जितने भी एट कंट्रोलर ऐसे मिलेंगे वो सारे रजिस्टर हो जाएंगे इसके पास, इस हैंडलर के पास, मतलब चार कंट्रोलर है तो सारे कंट्रोलर यहाँ पे रजिस्टर है, और उस कंट्रोलर में कौन सी मैपिंग की है ये भी इसके अंदर रजिस्टर हो चुका है, राइट, मतलब इसको पता है कि कितने कंट्रोलर है, कौन से कंट्रोलर में कौन सी मैपिंग की हुई है। तो जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे उसी समय अगर पता चल रहा है तो अगर कुछ एम्बिगुइटी आती है तो यही से फेल हो जाएगा वो प्रोजेक्ट, एंड टू एंड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, स्टार्ट ही नहीं होगा, समझ आया, अच्छा यस, क्योंकि जो भी सर्वे जो भी कंट्रोलर्स है, जो भी रिक्वेस्ट है वो सारी रजिस्टर हो रही है ना कहीं किसी एक जगह पे। तो अगर कोई एक कंट्रोलर रजिस्टर हो चुका है, दूसरा कंट्रोलर रजिस्टर हो चुका है, तीसरा कंट्रोलर रजिस्टर हो चुका है, बट ऐसा आया कि किसी एक
कंट्रोलर के, दो कंट्रोलर के अंदर सेम रिक्वेस्ट की मैपिंग की हुई है, ऐसा अगर कुछ देखने में आया, फाइंड आउट हुआ, तो उसी समय वो एक्सेप्शन रिटर्न करेगा, प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं होगा। क्लियर? यस सर। यस, मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट करते समय ही हमारे कंट्रोलर और मैपिंग सारे रजिस्टर हो रही है हैंडलर के अंदर। सर ये रन टाइम पे होगा ना सर? यस यस, मतलब जब हम रन करेंगे तब फर्स्ट टाइम ही होगा ये, एक ही टाइम जब हम प्रोजेक्ट रन करेंगे एक ही टाइम सारे कंट्रोलर सारी सर्विसेज रजिस्टर हो जाएगी हैंडलर के पास। सर ये इंटरनली होता है क्या यस रजिस्टर? यस, इंटरनली होता है, यह हमें देखने को नहीं मिलेगा। सर हाँ, ये देखने को कैसे मिलेगा, लॉग देख के पता कर सकते हैं। सर, और ये रजिस्टर होगा यानी वो ऑब्जेक्ट वगैरह बन जाएंगे क्लासेस के, ऐसे रहता है क्या? यस यस यस, रजिस्टर हो जाएगा मतलब कंटेनर जो है उसके अंदर उसके रेफरेंसेस बन जाएंगे। जिनके ऊपर कंट्रोलर रहता है यस उनके। राइट, ओके। ओके सर। तो कंट्रोलर ही नहीं, जहां पर भी एनोटेशंस दिखेंगे आपको, जैसे आगे चल के एनोटेशन देखने को मिलेगी, एट सर्विस, एट रिपोजिटरी, एट कंपोनेंट, राइट, ये सारे जो भी एनोटेशंस है ना वो सारे एट ए टाइम, मतलब जब हम प्रोजेक्ट रन करते हैं उसी समय लोड हो जाते सारे। एट कॉन्फिगरेशन, ये सारा पार्ट क्या होता है, जब हम प्रोजेक्ट रन करते हैं उसी समय लोड हो जाते हैं। तो अभी इस हैंडलर का काम तो समझो पहले, कि यहाँ पे क्या क्या रजिस्टर होने वाला है, कंट्रोलर एंड उसकी मैपिंग। तो हम जो मैपिंग लेके आ रहे थे, जो रिक्वेस्ट लेके आ रहे थे, स्लैश लॉगिन फ्रंट फ्रंट कंट्रोलर के पास आई, अब ये स्लैश लॉगिन जाएगी मैपर के पास, हैंडलर के पास। ओके, तो यहाँ पे स्लैश लॉगिन सिर्फ जा रहे हैं। अब देखना इसके पास चली गई, अब ये फाइंड आउट करेगा कि ये जो स्लैश लॉगिन है ये रिक्वेस्ट किस कंट्रोलर में रजिस्टर हुए। करेक्ट, मतलब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि इसके लिए कौन सा कंट्रोलर लिखा हुआ है, राइट, यस सर। ये समझा। तो ये क्या रिटर्न करेगा, अब ये रिटर्न करेगा, चलो ऐसा लिख लेते हैं यहाँ पे, ये जो रिटर्न करने वाला है वो स्लैश लॉगिन तो रिटर्न करेगा, मतलब जो रिक्वेस्ट हमने लिखी थी, स्लैश LOGIN प्लस उसका कंट्रोलर, ये समझा। क्लियर, मतलब कंट्रोलर नेम पता चल रहा है कौन से कंट्रोलर में जाना है। अब ये फिर से फ्रंट कंट्रोलर के पास आ गई, बट अब इस समय हमें उसका कंट्रोलर पता है कि किस कंट्रोलर में जाना यस सर, राइट सर। है। यस, चलिए आप ऐसा लिख लेता हूँ, कंट्रोलर वन उसने रिटर्न किया। ओके, या फिर लॉग इन कंट्रोलर ऐसा कुछ तो बनाएंगे ना, एम्प्लॉय कंट्रोलर, चलो ठीक है मैंने लिख दिया कॉन वन। ओके, यहाँ तक क्लियर सबको? यस सर। यस, अब हो सकता है जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है इसके अंदर ऐसे बहुत सारे कंट्रोलर्स लिखे हुए हैं। ओके, इसको मेन कंट्रोलर बोलेंगे, ऐसे एक दो तीन कंट्रोलर कितने भी हो सकते हैं, बट किसी पर्टिकुलर के अंदर जाना है हमें, राइट। तो जैसे कि इसका नाम है कॉन वन, इसको मैं लिख लेता हूँ, ओके, ये है कौन वन, तो ये इसके पास आएगा क्योंकि कौन से कंट्रोलर में जाना है पता चला, तो ये रिक्वेस्ट ट्रैवल कैसे होगी, ये तो यहाँ से आएगी। ओके, ये समझ रहा है कौन वन के पास ही क्यों आ रही है, हम ओपन करते हैं और डायरेक्टली देखते हैं, बट यहाँ हमें दिखता है ना दिखने के लिए, बट इंटरनली जब चलेगा इसको कैसे पता रहेगा कौन वन के पास ही आना है। क्लियर? यस सर। यस, मतलब अभी अभी तो पता चला कैसे आ रही है। कौन वो नाम URL में भी देते ही है ना पर? नहीं, कंट्रोलर का नाम हम कहाँ पे देते हैं, कंट्रोलर का नाम नहीं देते हैं, हम रिक्वेस्ट का नाम देते हैं, स्लैश लॉगिन। यानी मेथड पे जो होता है उनका ही देते हैं। यस, मेथड के ऊपर जो होता है, मतलब मैपिंग किसके साथ की है उसका नाम देते हैं, बट मैपिंग किस कंट्रोलर में की है ये नहीं देते ना।
तो किस कंट्रोलर में तभी जाना है वो एम्बिग्यूटी आ हैंडल। जाती है। यस सर वो शिवाजी सर ने क्लास के ऊपर भी दिया था बेस यूआरएल, तो हाँ, ऐसे दो यूआरएल मैपिंग जो होती है दो लेवल की होती है, मतलब एक होती हाँ है क्लास तो लेवल और एक होती है मेथड। मेथड लेवल। यस सर अगर दो कंट्रोलर में लॉगिन होगा तो हाँ, तो फिर उस समय एम्बिग्युइटी आती है ना। अच्छा यस, उसी समय एम्बिग्युइटी आती है और प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं होता। मतलब यही आपको बता देता है कि कंट्रोलर के अंदर दो 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 जगह पे सेम मैपिंग की हुई है तो स्टार्ट ही नहीं होगा। यस ओके ठीक है। चलो कंट्रोलर के पास आ गए, यहाँ पे लिख लेते हैं। स्लैश लॉगिन यहाँ पे लेके आ गया। ओके, अब क्या करना है हमें? कंट्रोलर के पास आने के बाद प्रोसेस क्या होती है? एक तो हमें कुछ तो बिजनेस लॉजिक हो सकता है या फिर कुछ डेटाबेस रिलेटेड हो सकता है। अब ये जो रिक्वेस्ट है लॉगिन की रिक्वेस्ट, कैसे क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या काम करने वाला है? डेटाबेस रिलेटेड कुछ तो प्रोसेसिंग करनी है, राइट? बट यहाँ पे कैसा होता है, कभी भी अगर डेटाबेस हो या फिर बिजनेस लॉजिक हो, यहाँ पे जो प्रोसेसिंग होगी वो दो लेयर के अंदर होगी। जैसे कि अगर कुछ बिजनेस लॉजिक आपको लिखना है तो सर्विस लेयर के अंदर लिखना पड़ेगा, और कुछ डेटाबेस रिलेटेड लिखना है तो डाओ लेयर के अंदर लिखना पड़ेगा। क्लियर? अभी इस रिक्वेस्ट को देख के ऐसा लग रहा है कि ये पूरा डाओ लेयर का काम है, डेटाबेस रिलेटेड का काम है। बट कभी भी ऐसे डायरेक्टली कंट्रोलर से डाओ लेयर में नहीं जाते, हमें ट्रावर्स करके ही जाना पड़ता है सर्विस से डाओ में। बट ऐसा नहीं कि अगर हम डायरेक्टली डाओ में जाएंगे तो एरर आएगा, जा सकते हैं, बट एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम पहले सर्विस के अंदर जाएंगे, सर्विस से डाओ के लिए जाएंगे। मतलब कंट्रोलर से हमेशा कहाँ पे जाना है? सर्विस। सर्विस क्लियर? तो जब हम यहाँ, मैं यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ, कंट्रोलर से होके जाएगा ये सर्विस के पास। ओके, सर्विस के बाद ये जाने वाला है डाओ के पास। ठीक है, तो ये चला जाएगा पहले सर्विस के पास। अगर सर्विस के अंदर कुछ काम है तो सर्विस के अंदर ही काम होगा, जैसे कि कुछ बिजनेस लॉजिक है। ओके, तो यही पे काम होगा वो। बट अगर सर्विस का कुछ काम नहीं है, अब जैसे कि लॉगिन का काम सर्विस नहीं करेगा, वो डाओ करने वाला है, तो रिक्वेस्ट जो है सर्विस से कहाँ पे जाएगी? सर्विस कॉल करेगा डाओ को। समझा? डाओ, अब ये डाओ पूरा प्रोसेसिंग करेगा, जैसे कि लॉगिन का है तो इसने प्रोसेसिंग की और रिटर्न में रिजल्ट दे दिया। किसको? जिसने कॉल किया है, सर्विस को। जैसे कि लॉगिन करने के बाद, रिटर्न में क्या जाना चाहिए? जैसे यूजर नेम दे दिया, पासवर्ड दे दिया, लॉगिन सक्सेसफुली होता है तो हम अब तक क्या कर रहे थे? रिटर्न एक ऑब्जेक्ट कर रहे थे, मतलब एम्प्लॉय ने लॉगिन किया तो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर रहे थे। मतलब ये यहाँ से जो हमें लेके जाना है, बुलियन लेके जाना है या ऑब्जेक्ट लेके जाना है, जो कुछ भी हम यहाँ से रिटर्न करेंगे वो जाएगा सर्विस के पास, क्योंकि जिसने कॉल किया था उसी के पास जाएगा। सर्विस को किसने कॉल किया था? कंट्रोलर ने। मतलब जो रिटर्न जो हम लेके जाने वाले हैं वो कंट्रोलर के पास लेके जाने वाले। समझा? यस सर यस, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट या फिर बुलियन था वो कंट्रोलर को मिल गया। पूरी प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद अब कंट्रोलर का काम है डिसाइड करना कि जो आया हुआ आउटपुट है उसको कंसिडर करके क्या करेगा, ये डिस्पैच करेगा, मतलब आगे क्या करना है। तो हम क्या करते हैं, हमें हाई लेवल पे कैसे दिखता है कि जब प्रोसेस होती है, लॉगिन हो जाता है कंप्लीट, तो तुरंत ही क्लाइंट को होम पेज दिख रहा है, मतलब रिस्पांस दिख रहा है। करेक्ट? ऐसा ही दिखता है। यस सर यस, ऐसा ही दिखता है ना, बट इंटरनली ऐसा नहीं होता। अब जैसे फ्रंट कंट्रोलर को पता नहीं था कि कौन से कंट्रोलर में जाना है, वैसे ही इस कंट्रोलर को भी पता नहीं है कि जेएसपी पेजेस कहाँ पे रखे है। समझा? क्योंकि कंट्रोलर अभी जेएसपी पेज रिटर्न करेगा ना, कौन सा जेएसपी पेज ओपन करना है। यस सर यस,
बट ऐसा कंट्रोलर डायरेक्टली नहीं ओपन करता, क्योंकि कंट्रोलर को पता ही नहीं है कि हमने जेएसपी पेजेस कहाँ पे रखे। कंट्रोलर का काम सिर्फ क्या है, रिक्वेस्ट जो है आई हुई रिक्वेस्ट के अंदर जो भी प्रोसेसिंग करना है वो प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद डिस्पैच करना, उस रिक्वेस्ट को आगे डिस्पैच करना। तो कंट्रोलर सिर्फ बताएगा कि हमें होम पेज पे जाना है, ओके, बट होम पेज कंट्रोलर को पता नहीं है होम पेज कहाँ पे है। तो ये जो सारा फ्रंट एंड है वो कहाँ पे रहता है, व्यू रिजॉल्वर के अंदर, मतलब जो भी फ्रंट एंड का पार्ट है वो किस कहाँ पे रहता है, व्यू रिजॉल्वर के अंदर। मतलब कंट्रोलर से जो रिक्वेस्ट जाएगी वो जाएगी व्यू रिजॉल्वर के पास, समझा? ये क्या है, व्यू रिजॉल्वर। ठीक है, अब इसके पास वो रिक्वेस्ट आने वाली है, बट रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट मतलब वो ये कंट्रोलर डिसाइड करेगा कि क्या ओपन करना है, करेक्ट? होम पेज ओपन करना है, अगर एम्प्टी आता है कुछ रिटर्न में, अगर हम बुलियन कर रहे हैं तो अगर फॉल्स रिटर्न आता है तो ये रिटर्न करेगा इंडेक्स पेज, बट अगर लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है तो कंट्रोलर रिटर्न करेगा होम पेज, राइट? मतलब कंट्रोलर सिर्फ व्यू का नेम पास करेगा, यहां से जो आएगा कंट्रोलर से जो आएगा ना वो सिर्फ आएगा व्यू नेम। यहाँ पे लिख लेते हैं, कंट्रोलर क्या देगा इसको, व्यू नेम व्यू नेम, जैसे कि होम डॉट जेएसपी, नहीं यार ये डॉट जेएसपी है या डॉट एचटीएमएल है ये कंट्रोलर को नहीं पता है, ये किसको पता है, व्यू रिजॉल्वर को। तो व्यू रिजॉल्वर के पास आने के बाद यहाँ से क्या आ रहा है, व्यू का नेम, जैसे होम आया डॉट जेएसपी भी नहीं, सिर्फ होम व्यू का नेम पास कर रहा है, तो व्यू रिजॉल्वर चेक करेगा कि ये होम डॉट जेएसपी है या फिर होम डॉट एचटीएमएल है। तो उसी को बोला जाता है आपका व्यू कहाँ पे रखा है, मतलब प्रीफिक्स, एंड आपके आपका व्यू जो है वो जेएसपी है या एचटीएमएल है, मतलब सफिक्स। तो व्यू रिजॉल्वर के अंदर प्रीफिक्स एंड सफिक्स रहेगा, तो कंट्रोलर जब व्यू पास करेगा, व्यू नेम पास करेगा व्यू रिजॉल्वर को, तो व्यू रिजॉल्वर चेक करेगा कि वो जो कंट्रोलर से व्यू आया है वो हमारे पास है या नहीं। उस व्यू व्यू रिजॉल्वर मतलब एक फोल्डर रहेगा जिसके अंदर हमारे पेजेस रहेंगे, करेक्ट? सर, तो व्यू मतलब क्या ओपन करना है वही बताएंगे था नहीं नहीं व्यू रिजॉल्वर मतलब ऐसा फोल्डर रहेगा, एक लोकेशन रहेगा जिसके अंदर हमने सारी व्यू रखे है, व्यू मतलब पेजेस। सर। वो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के है ना। नहीं, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर नहीं, देखेंगे हम, वो कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट सर है वो, क्योंकि नहीं एप्लीकेशन क्या पता नहीं, बट हम जो करेंगे अभी कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, बताना पड़ता है व्यू सर रिजॉल्वर कहाँ सफिक्स पे है। और बोलो बोलो। ओके सर वो स्प्रिंग बूट यूज करते हैं। नहीं बोलो ना, जो आपको पता है आपने जो देखा बोलो, हम क्लियर कर लेंगे वो। नहीं वो सर शिवाजी सर ने सफिक्स डॉट जेएसपी और स्लैश जेएसपी वो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में लिखा था। हाँ करेक्ट करेक्ट, तो वो एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, हम जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ओके? तो व्यू सर रिजॉल्वर मतलब ऐसा, कौन सी फाइल ओपन करने ये बताएंगे आप, प्रीफिक्स और सफिक्स ये हिसाब से है ना, यस डॉट एचटीएमएल करनी है या जेएसपी करनी है, और वो जेएसपी का नेम क्या फाइल का, ये सारी चीजें बताएंगे। यस व्यू रिजॉल्वर को हम कॉन्फ़िगर ऐसा करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या होगा, हमारे जेएसपी पेजेस का हमने कहाँ पे रखे हैं, और जेएसपी पेजेस है या फिर एचटीएमएल है, करेक्ट? प्रीफिक्स में क्या आएगा, लोकेशन आएगा व्यू रिजॉल्वर का, मतलब हमारे पेजेस कहाँ पे है, और सफिक्स में आएगा कौन से पेजेस है, एक्सटेंशन क्या है, क्योंकि फ्रंट कंट्रोलर से हमें क्या मिल रहा है, सिर्फ नेम मिल रहा है व्यू का नेम। तो यहाँ पे आके डिसाइड होगा कि वो व्यू एग्जिस्ट करता भी है, और अगर करता है तो उसका एक्सटेंशन क्या है, करेक्ट? मतलब यहाँ पे आके पता चल रहा है कि वो डॉट जेएसपी है, होम डॉट जेएसपी रिजॉल्वर के अंदर आके पता चल रहा है, ओके? अभी कंसीडर कर लो होम डॉट जेएसपी मिल गया, अब क्या होगा, यहाँ पे मिल गया तो ये यहाँ से रिटर्न करेगा इसको, बट रिटर्न में जो जाएगा वो क्या जाएगा, होम
home.jsp अब पता चला ना इसके अंदर आने के बाद, तो अब एक्चुअली में जेएसपी पेज रिटर्न हो रहा है, समझ आया? तो home.jsp चला जाएगा फ्रंट कंट्रोलर के पास, फ्रंट कंट्रोलर रिटर्न करेगा क्लाइंट, क्लियर? यस सर, ये रिक्वेस्ट है। ओके, समझ आया आर्किटेक्चर कैसा है? yes, मतलब चलो एक बार फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे। ये आपकी रिक्वेस्ट जो जाएगी यहाँ से होके जाएगी, वन इसको हम सेकंड बोल सकते हैं, टू ये थर्ड, ओके रिक्वेस्ट ऐसी ट्रैवल हो रही है, फिर ये यहाँ पे जाएगी फोर्थ, ओके ये फोर्थ ही है इसको भी पहुँच सकता है, फिर यहाँ पे आएगा फिफ्थ, इसको सिक्स बोल सकते हैं, सेवन एट, अब कंट्रोलर को मिल गया, कंट्रोलर से यहाँ पे जाएगा, नाइन टेन, और आखिरी में जो रिस्पॉन्स जाएगा वो ये लो, क्लियर? यस सर। कुछ डाउट है इसमें? और जो हमने अभी आर्किटेक्चर देखा एज इट इज ऐसा ही होना चाहिए, हेलो ओके सर, समझ आया सबको? यस सर, ठीक है, हो सके तो इसका फोटो निकाल लो, एज इट इज ऐसा ही वर्क होना चाहिए जो हम प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करेंगे ना, एज इट इज ऐसे ही रिक्वेस्ट जानी चाहिए, ओके वहां पे देखने को मिलेगा आपको फ्रंट कंट्रोलर, ये हैंडलर नहीं दिखेगा बट फ्रंट कंट्रोलर दिखेगा, ये हम लिखेंगे, ये वाला भी हम लिखेंगे, सर्विस डाओ व्यू रिजॉल्वर ये सब देखेंगे, हैंडलर तो आपको लॉग में दिखेगा कि इंटरनल ये सारे रजिस्टर हो चुके इसके पास, ओके ये सर्वलेट डिस्पैचर क्या है, मतलब क्लास है ना? हाँ ये क्लास नहीं इंटरफेस आए थे, देखेंगे वो क्लास है या इंटरफेस, ओके सर, हाँ नहीं नहीं ये क्लास ही है राइट, मतलब एक पैकेज के अंदर एक क्लास एग्जिस्ट करता है, देखते हैं क्या है, बट इतना समझ आया? यस सर, यस सर, ये भी देखेंगे कि ये जो रिक्वेस्ट हम पास कर रहे हैं स्लैश लॉजिक, ये हर बार इसी के पास क्यों आ रही है, ओके तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, हमें एक सिंपल आर्किटेक्चर है, मुझे थोड़ा काम है बट ठीक है, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं, मतलब बना के रखेंगे, बाद में देखते हैं कि कैसे वर्क हो रहा है, चलेगा? यस सर, यस सर, सो मैं अभी इक्लिप्स स्टार्ट करता हूँ, इक्लिप्स दिख रहा है सबको? ठीक है, तो अब जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो तो यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट बनाना है, तो स्प्रिंग मतलब मेओन का प्रोजेक्ट ही बनाना पड़ेगा, तो मेओन प्रोजेक्ट, बट हमने जो कल प्रोजेक्ट बनाया था ना वो कैसे बनाया था, सिंपल प्रोजेक्ट था, मतलब स्किप आर्किटेक्चर टाइप सिलेक्शन ऐसा कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने नहीं बताया था कि हमें वेब एप्लीकेशन बनाना है, तो ये कोर का बन रहा था, सिंपल प्रोजेक्ट बन रहा था, बट अभी हमें वेब एप्लीकेशन बनाना है तो इसको अनचेक ही रखेंगे, अनचेक रखेंगे मतलब हम आर्किटेक्चर टाइप स्किप नहीं कर रहे, हम अभी सेलेक्ट करेंगे कि हमें कौन सा बनाना है, ओके नेक्स्ट, देखो यहाँ पे रिट्राइविंग आर्किटेक्चर टाइप्स दिख रहा है? यस यस सर, यस ये दिख रहा है सबको यहाँ पे? यस हो गया सर, मतलब रिट्राइव हो चुके हैं, चलो अब क्या करना है, यहाँ पे हमें बहुत सारे आर्किटेक्चर्स देखने को मिल रहा है, दिख रहे हैं सबको? यस सर, यस, इसमें से कौन सा सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हो, हमें बनाना है स्प्रिंग एमएससी का प्रोजेक्ट,
स्प्रिंग। देखो आर्टिफैक्ट आईडी कैसे दिख रही है, बीच में हाइफन है राइट, स्प्रिंग हाइफन एमवीसी आर्किटेक्चर टाइप दिख रहा है, नोट डाउन करो ये ग्रुप आईडी आर्टिफैक्ट आईडी एंड वर्जन। ओके अगर सर इससे सर इस स्टेप से क्या होगा, मतलब उस तरह का फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट होगा राइट राइट जो हमें एक्चुअली में जो चाहिए ना। और अगर हम मेवन जो हम मेवन का प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उसमें भी आर्किटेक्चर टाइप सिलेक्शन कर रहे हैं स्प्रिंग एमवीसी के लिए, तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड पार्ट है जो भी स्ट्रक्चर है फोल्डर का वो सारा एमवीसी का बन जाएगा। ओके व्यू रिजॉल्वर जेएसपी पेजेस कॉन्फ़िगरेशन पार्ट बहुत सारी चीजें बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी। ओके सर। ओके तो यही करना, तो ग्रुप आईडी आर्टिफैक्ट आईडी नोट डाउन करो, वर्जन नोट डाउन करो। अगर आपके इसमें नहीं दिख रहा है तो ये जो ग्रुप आईडी आपने नोट डाउन किया ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर ये नहीं है आपके पास या फार यूएचए नहीं दिख रहा तो यहाँ पे आ जाओ ऐड के अंदर और ये डाल दो ग्रुप आईडी के अंदर, ग्रुप आईडी ऐड करो आर्टिफैक्ट आईडी और वर्जन, रिपोजिटरी यूआरएल ऑप्शनल है नहीं दिया तो भी चलेगा और ओके करना। तो जब नेक्स्ट टाइम आप सर्च करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ओके ओके yes, और अगर किसी को ऐसा आता है ना 1.0.8 तो ये जो शो लेटेस्ट वर्जन है उसको अनटिक करो तो ये 0.3 भी दिख जाएगा। अगर ऐसा करते हो शो लेटेस्ट वर्जन तो ये लेटेस्ट जो होगा आपका जो ऐड होगा ना ये आर्किटेक्चर ऐड होगा वो लेटेस्ट वाला होगा, तो यहाँ पे अनटिक करो और फिर सर्च करना 0.3 भी दिख जाएगा। क्लियर? यस सर। ठीक है नेक्स्ट करेंगे। अब हमारा प्रोजेक्ट जो बनेगा उसका नाम देखो, हमने अभी जो सेलेक्ट किया था वहां पे भी ग्रुप आईडी आर्टिफैक्ट आईडी दिख रहा था, मतलब वो भी एक प्रोजेक्ट ही है उन्होंने बना के रखा हुआ। क्लियर? यस सर। कॉम्रेड जीबीके ग्रुप आईडी कुछ भी दे सकते हो, ठीक है आर्टिफैक्ट मतलब हमारा प्रोजेक्ट रहेगा। ऐसा कुछ तो करते हैं फिनिश, थोड़ा टाइम लगेगा इसको बनने में क्योंकि आर्किटेक्चर टाइप हम सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो कोई एक भी डिपेंडेंसी हमने ऐड नहीं की थी, बट देखो बहुत सारी डिपेंडेंसी भी यहाँ पे डाउनलोड होके आ जाएगी। ओके तो डिफॉल्ट जो भी कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है वो सब मिलेगा यहाँ पे। बन गया, अब ओपन करके देखना है इस प्रोजेक्ट को। अब तक आपने ऐसे किया था क्या इस टाइप से? नहीं सर, हमने वो इंटरनेट से किया था, वो तो बूट का पार्ट है। हाँ हाँ ओके चलो ठीक है। अब ना हम क्या करते हैं इसको एक्सपांड करके देखेंगे कि क्या है। ओके रिसोर्सेस है, पैकेजेस भी कुछ तो इनबिल्ट मिल रहे, कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, कंट्रोलर भी आ गया, एक टेस्ट के अंदर कुछ है क्या, टेस्ट के अंदर भी एक टेस्ट का क्लास बन गया है। इस एसआरसी को ओपन करोगे तो मेन है, ये जावा जो है ना मेन जावा ये इसी का रिप्लेसमेंट होता है। देखो ये कॉम जेबीके ऊपर का ही है, इसको छोड़ो। वेब ऐप मतलब सारा वेब रिलेटेड जो होगा इसके अंदर रहेगा। वेब के लिए जो रिसोर्सेस लगते हैं ये यहाँ पे रहेंगे। वेब के लिए रिसोर्सेस मतलब CSS, Bootstrap, JavaScript, करेक्ट, ये सारे रिसोर्सेस यहाँ पे रखेंगे। इसके अंदर इनबिल्ट मिल जाता है, देखो स्टाइल मिल गया, Bootstrap भी मिल गया, मतलब आपको खुद से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके मिल रहा है। तो अगर हमें कुछ कॉन्फ़िगर करना है जेएसपी पेज के अंदर इसका Bootstrap का लिंक करना है तो ये वाली फाइल भी दे सकते हैं। ओके वेब INF के अंदर क्या है कॉन्फ़िग, चलो इसकी तो ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट कर देंगे।
और रखा तो भी चलेगा, प्रॉब्लम नहीं। टैक्स चलिए रहने देते, जो डिलीट किया था ना वो भी रहने दे। व्यूज इसके अंदर हमारा जेएसपी पेज है, मतलब हमारा व्यू रिजल्टर कहाँ पे है, वेब आईएनएफ के अंदर व्यूज फोल्डर के अंदर जेएसपी पेजेस, करेक्ट। और जो सर्वर को पता है व्यू कहाँ पे रहता है, वो उसका रहता है वेब ऐप, मतलब रूट कहाँ पे रहता है, वेब ऐप के अंदर। बट अभी हमने व्यू अलग जगह पे रखा ना, तो कंट्रोलर को कैसे पता चलेगा कि हमने व्यू कहाँ पे रखा है। यहाँ पे तो फोल्डर का नाम कुछ भी हो सकता है, व्यूज की जगह पे कुछ और जाएगा। तो कंट्रोलर जब व्यू रिटर्न कर रहा है तो उसको तो पता ही नहीं है कि व्यू कहाँ पे रखा है, इसीलिए वो हेल्प लेता है व्यू रिजॉल्वर की, क्योंकि व्यू रिजॉल्वर के अंदर क्या लिखा होता है, वो जेएसपी पेजेस कहाँ पे रखे है उसका लोकेशन। ओके यस सर, यस सर। फिर उसके बाद है वेब एक्सएमएल, इसको ओपन करके देखेंगे। ये होता है हमारा एंट्री पॉइंट। ओके, फर्स्ट फाइल जो चलेगी वो कौन सी रन होगी, वेब एक्सएमएल। तो वेब एक्सएमएल जो चल रही है इसके अंदर देखो दो ही काम की चीजें ध्यान देना, ये वाला एक पार्ट और ये वाला एक पार्ट। ओके, तो देखो सर्वलेट मैपिंग जो भी प्रोजेक्ट हम रन करेंगे, रिक्वेस्ट जो आएगी यहाँ पे आएगी। ओके, तो अभी रिक्वेस्ट कौन सी आएगी, स्टार्टिंग में स्लैश, मतलब जब प्रोजेक्ट रन करेंगे तो स्टार्टिंग में कोई तो रिक्वेस्ट होनी चाहिए ना, तो वो रिक्वेस्ट है अब स्लैश। बाय डिफॉल्ट रिक्वेस्ट स्लैश ही होती है, तो स्लैश आएगी फर्स्ट टाइम। तो ये स्लैश कहाँ पे लेके जाएंगे, इस स्लैश का सर्वलेट कौन सा है। देखो इंटरनली भी, इंटरनली इसके सर्वलेट ही चल रहा है, मतलब सर्वलेट का पार्ट अभी खत्म हो गया ऐसा नहीं है, फ्रेमवर्क तो आ गया बट इंटरनली क्या हो रहा है, सर्वलेट ही यूज हो रहा है, राइट राइट यस। तो ये किस सर्वलेट के पास जाएगा, इसका नाम है ये, अभी सर्वलेट का नाम दिया है, तो ये सर्वलेट कहाँ पे, देखो यहाँ पे मैच हुआ, उसका क्लास कौन सा है, तो हम बोल रहे थे ना इंटरफेस है या क्लास है, वो क्या है, क्लास। कौन सा क्लास है ये, यहाँ पे। तो ये क्लास हमने नहीं लिखा, ये डिस्पैचर सर्वलेट जो फ्रंट कंट्रोलर है वो कौन, किसने लिखा है, स्प्रिंग, स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर। कहाँ पे है वो, मतलब कुछ तो डिपेंडेंसी रहेगी हमारे पास, राइट, कुछ तो जार रहेगी, इसके अंदर से एक क्लास आ रहा है, करेक्ट। तो ये काम करेगा, मतलब जो भी रिक्वेस्ट आएगी फ्रंट कंट्रोलर के पास जाएगी। अब ये फ्रंट कंट्रोलर मतलब इसके अंदर अब ऐसा उन्होंने लिखा होगा कि यहाँ से रिक्वेस्ट हैंडलर के पास लेके जाओ, फिर वो आगे वाला काम। क्लियर, राइट सर, यस। तो जब देखो अभी प्रोजेक्ट अगर एग्जीक्यूट करते हो तो ट्रावर्स करते आएगा आपको हैंड रन, कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, यस। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जाएगा, फिर कंट्रोलर के पास जाएगा, कंट्रोलर प्रोसेस करेगा। अब बात करते हैं कंट्रोलर को व्यू रिजॉल्वर कैसे पता चल रहा है। जो कॉन्फ़िगरेशन किया है या म्यूजिक का कॉन्फ़िगरेशन, एक बाय डिफॉल्ट क्लास मिल गया ना हमें, ऑटोमेटिकली मिला ये, यस सर। अगर इसको ओपन करते हैं देखो क्या मिलता है, इसको एनोटेट किया एट कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये कब चलेगा, जब हम प्रोजेक्ट रन करेंगे उसी समय ये भी लोड हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने एनोटेशन दिया है। ओके, कंपोनेंट स्कैनिंग के लिए बेस पैकेज दिया जाता है, तो ये हमारा बेस पैकेज है, ईआरपी तक का बेस पैकेज है, उसके अंदर कॉम्फिग रह सकता है, सर्विस रह सकता है, डाओ रह सकता है, कंट्रोलर, एंटिटी, ऐसे बहुत सारे पैकेज बनेंगे, बट बेस पैकेज कौन सा है, ईआरपी तक का। ओके, इसके अंदर हमने एक बीन बनाई। अब देखो यहाँ पे एट बीन लिखा है, तो हमने कल देखा था एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एक्सएमएल के अंदर बीन लिखी थी ना, तो उसका उसका ऑब्जेक्ट कंटेनर के अंदर लोड हो रहा था, राइट राइट सर। अब वैसी जरूरत नहीं है, अब हम एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एक्सएमएल नहीं लिखेंगे। ओके, इसकी जो बीन बनानी है, व्यू रिजॉल्वर की बीन बनानी है, आपने वो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एक्सएमएल के अंदर व्यू रिजॉल्वर की बीन बनाई होगी, राइट, जो भी कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है वो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एक्सएमएल के अंदर किया रहेगा, यस सर। बट अगर जावा बेस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसका एनोटेशन देने पड़ते हैं, कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट ये क्लास बना के उसको एनोटेट करना एट कॉन्फ़िगरेशन से, इसके अंदर क्या रहेगा,
हमें ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं कंटेनर के अंदर लोड करने हैं, तो उसको एनोटेट करेंगे एट बिन, तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा कंटेनर के अंदर। बट इसके अंदर क्या है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, मतलब व्यू रिजल्ट को हमने बता दिया कि ये हमारे जेएसपी पेजेस यहाँ पे रखे हैं हमने, और कौन से है डॉट जेएसपी है, मतलब कंट्रोलर से जो नाम मिलेगा सिर्फ व्यू नेम मिलने वाला है कंट्रोलर से। होम, होम जब आएगा व्यू रिजॉल्वर के पास तो कहाँ पे चेक किया जाएगा, व्यूज के अंदर, मतलब है ना ये व्यूज फोल्डर, और पेजेस भी कौन से है डॉट जेएसपी, तो यहाँ पे आके वो कॉन्केट होगा होम डॉट जेएसपी और वो रिटर्न होगा फ्रंट कंट्रोलर को। क्लियर, रिटर्न रिजॉल्वर हो रहा है इसका मतलब हमारा पेज रिटर्न हो रहा है, राइट, इस जगह पे जो हमने पेज रखा है वो पेज। क्लियर, हेलो यस सर, यस। बाकी ये क्या है, ये रिसोर्सेस, मतलब ये वाला फोल्डर ना, अगर हमने बूटस्ट्रैप या कुछ सीएसएस ऐसा किया है तो ये भी बता दिया कि हमने वो यहाँ पे रखा है रिसोर्सेस के अंदर, स्टार स्टार मतलब बात कुछ भी हो सकता है, ये बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर सीएसएस के अंदर ये वाली फाइल्स, बट हमारा रूट कौन सा है रिसोर्सेस के लिए, रिसोर्सेस फोल्डर। ओके, ये मल्टी पार्ट रिजॉल्वर ये तो फाइल के लिए आता है, फाइल अपलोड डाउनलोड के लिए, ये इग्नोर करो, इसको हटा दिया तो भी चलेगा। ये कॉन्फ़िगरेशन की फाइल है। अब बात करते हैं कंट्रोलर, तो एक कंट्रोलर भी मिल रहा है, होम कंट्रोलर रेडीमेड। ओके, इसके अंदर ऐसा कुछ तो किया है। ओके, अब ये थोड़ा टफ दिख रहा है आपको, इसको ना सिर्फ इतना लिखेंगे स्ट्रिंग, और हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था कि ये कंट्रोलर रिटर्न करेगा व्यू का नेम, मतलब सिर्फ फॉर्म लेके जाएंगे, राइट। तो ये फॉर्म लेके जा रहे हैं हम, ओके, तो ये होम लेके जाएंगे कहाँ पे चेक करने के लिए, रिजॉल्वर के पास, तो वेब आईएनएफ नहीं, कॉन्फ़िगरेशन तो क्लास है, राइट, कॉन्फ़िग क्लास है वो, बट सर, जो वहाँ पर इस व्यू रिजॉल्वर में रहेगा ना, कॉन्फ़िगरेशन में जाके वो कर दे, चेक करेगा ना, चेक करेगा, राइट। तो ये होम लेके जाएंगे हम कॉन्फ़िग के पास, यहाँ पे आने के बाद चेक हो रहा है वेब आईएनएफ के अंदर व्यू जो है यहाँ पर एग्जिस्ट करता है क्या, वेब आईने ये वाला इसके अंदर व्यूज एग्जिस्ट करता है, होम तो एग्जिस्ट करता है, अब आगे जाके वो चेक करेगा डॉट जेस पे है क्या, तो डॉट जेस भी दे तो व्यू रिटर्न करेगा, अब होना चाहिए। सेव किया, रन करते हैं, अब देखो कैसे रजिस्टर हो जाते हैं कंट्रोलर्स एंड सर्विसेस। रन ऑन सर्वर तो कर रहे हैं, बट पहले चेक करना है इस सर्वर के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए हमने सर्वर कॉन्फ़िगर किया है क्या, नहीं किया, ऐड लाइब्रेरी, सर्वर रन टाइम, अब तो हो जाएगा। देखिए रखेंगे, देखो लॉग्स देखने थे ना हमें, देखो हो गया फाउंड,
कंपोनेंट स्कैनिंग किसके लिए होता है, जो भी कंपोनेंट स्कैनिंग मतलब वो फाइंड फाइंड आउट करेगा कि एट कॉन्फ़िगरेशन या एट कंट्रोलर कहीं पे लिखा हुआ है क्या, तो किस पैकेजेस में फाइंड कर रहा है वो, ये सारे पैकेजेस फाइंड करेगा इस पैकेजेस के अंदर। तो क्या मिला, दो क्लासेस ऐसे मिले, दो अनोटेशंस मिले, फाउंड टू अनोटेटेड क्लासेस, दो क्लासेस ऐसे मिले जो जिससे हमने अनोटेट किया है। तो कौन से क्लासेस थे वो, एक तो कॉन्फ़िगरेशन क्लास था राइट, और एक हमारा ये वाला एक क्लास था, और हमारे पास एक और क्लास है होम कंट्रोलर, जिसको भी जिसको हमने एनोटेट किया है एट कंट्रोलर से। तो ये दो क्लासेस मिल गए, ओके सर, ओके। और उसके अंदर भी एक मैपिंग मिल गई, स्लैश हेलो की मैपिंग की है हमने किसके साथ, होम कंट्रोलर के अंदर जो हेलो मेथड है वो, ओके। मतलब अब तक जो हम सोच रहे थे ना, हमने यहाँ पे ऐसा लिखा इसीलिए ये वाला एग्जीक्यूट हो रहा है, बट ये वही क्यों हो रहा है, वो रजिस्टर हो जाता है ना। देखो रजिस्टर कैसे होता है, इस हेलो के लिए कौन सी मेथड रजिस्टर हो रही है, ये वाले देखो यहाँ पे, ये हैंडलर के पास जा रहा है, यस सर बराबर, यस। तो जो भी मैपिंग है वो हैंडलर के अंदर रजिस्टर हो जाएगी। ये वाला भी मैप हो रहा है, रिसोर्सेस हमने दिया था, मतलब कॉन्फ़िगरेशन पार्ट रीड हो रहा है। और वो क्यों रीड हो रहा है, क्योंकि हमने उसको एनोटेट किया था कॉन्फ़िगरेशन, इसीलिए वो प्रोजेक्ट जब चला उसी समय ये सारे क्लासेस लोड हो रहे हैं, समझा, यस सर, यस, ओके। और लास्ट में क्या मिला, देखो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट चली ना, URL कौन सा फायर हुआ, देखो यहाँ पे वार्निंग आ गई, नो मैपिंग फाउंड फॉर HTTP रिक्वेस्ट स्लैश प्रीमियम स्लैश, मतलब हमारा जो बाय डिफॉल्ट रिक्वेस्ट था कौन सा था, स्लैश, ये स्लैश, ओके, ये रिक्वेस्ट जा रहा है, अब ये रिक्वेस्ट गया, बट उसके लिए आया नो मैपिंग फाउंड, क्योंकि कंट्रोलर के अंदर हमने मैपिंग किसके लिए की थी, हेलो के लिए, तो नहीं मिलेगा ना, अब मिल जाएगा, सेव किया, रिफ्रेश हो जाएगा, वो रिबिल्ड बोलेंगे, बट देखो पहले नहीं मिल रहा था, ये स्लैश आया ना, यहाँ तक तो प्रोजेक्ट का नाम हो गया, बट मैपिंग कौन सी है हमारी, स्लैश, अब रिफ्रेश करते हैं, अब पेज मिलना चाहिए, देखो रिक्वेस्ट की, कंप्लीटेड, रीलोडिंग, ओके, अब नॉट फाउंड, नो मैपिंग नहीं आया, आ गया पेज, मतलब होम डॉट जेएसपी के अंदर ऐसा कुछ तो डिजाइन है डिफॉल्ट, यस। समझा सर, यस, मतलब सिंगल पेज भी अगर हमें ओपन करना है तो हमें कंट्रोलर से ही होके जाना पड़ेगा, अभी इसी को हम इंडेक्स नाम देंगे, इसको लॉगिन बनाएंगे, बट अगर ये ओपन करना है तो हमें कंट्रोलर से होकर ही जाना पड़ेगा, समझा, मतलब अगर पेज भी हमें ओपन करना है तो कंट्रोलर के अंदर उसकी मैपिंग करनी पड़ेगी, समझा, यस सर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना काफी है, एक प्रोजेक्ट रेडी करके रखो, कल हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअल प्रोजेक्ट, स्ट्रक्चर रेडी होना चाहिए सबका, ओके सर, ओके। और ये आर्किटेक्चर से हिसाब से ही जा रहा है जो हमने आर्किटेक्चर देखा था, यस सर, यस, बट सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है अभी, मतलब देखा क्या नहीं, हाँ बोलो बोलो, बोलो ना, कुछ तो बोल रहे थे, हेलो सर, हमें हमेशा हमें यही आर्किटेक्चर फॉलो करना है क्या, यस यस यस,
कंट्रोलर से कॉन्फ़िग फाइल में जाके व्यू रिज़ॉल्वर से होके अपने को जो पेज चाहिए वो ओपन करना है। यस ओके सर। ठीक है, रेडी करके रखो, कल देखते हैं। यस सर। डाउट सर हेलो। हाँ बोलो, सर, वो जीएसपी में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा कौन सा था, स्क्रीन जीएसपी शेयर कर सर्वलेट? सकता हूँ? हाँ हाँ सर। ये रन करता हूँ मैं। रन करो। या क्लिक ही नहीं हो रहा सर। हाँ यहाँ पे क्लिक ही नहीं हो रहा है सर। ऐसा ही हुआ। ओके, ये अपना क्रोम के अंदर एक बार ओपन करके देखो, यूआरएल कॉपी करो, क्रोम के अंदर डालो ऊपर का। यूआर वहां पे भी क्लिक नहीं हो रहा है सर। करके देखा था? हाँ करके देखा। तो यहां से सिलेक्ट करूँ क्या? नहीं 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 मुझे इंडेक्स पेज दिखाओ। नहीं, सर इंडेक्स बटन पे क्लिक कर रहे हो, फॉर्म एक्शन ही नहीं है ना, तो कैसे होगा? हाई फॉर्म एक्शन है, देखो लाइन नंबर 61 पे क्लिक करो। हाँ हाँ ऊपर जाओ, स्क्रॉल करते जाओ ऊपर, इसका फॉर्म स्टार्टिंग कहाँ पे, जाओ ऊपर। हाँ ये एक एक मिनट, फॉर्म एक्शन लॉगिन सबलेट, लॉगिन सबलेट ओपन करना, ऊपर जाओ मैपिंग। ओके दिखाना होगा कैसे क्लिक नहीं होगा, टाइप भी नहीं हो रहा है क्या कुछ? कुछ टाइप भी नहीं हो वेरी इशू है। क्रोम ओपन करो एक बार, नहीं यही पे क्रोम ओपन करो दूसरा। है। ऐसा क्लिक ही नहीं हो रहा है का आपको? क्रोम ओपन करो ना, क्रोम क्रोम ओपन करके दिखाओ मुझे। नहीं सर, वहां पे वो स्क्रीन पे कुछ हो ही नहीं रहा है। मतलब तो जहां पे भी क्लिक करता हूँ उससे पिंक आवाज आ रहा है। अरे लैपटॉप का इशू है ना ये। नहीं सही कहा। बट यहाँ पे तो क्लिक हुआ अभी। नहीं यहाँ पे हो रहा है, इस पे जा रहा हूँ ना, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा अरे यार ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का इशू होगा फिर। एक है काम सर। करना, हाँ सर्च करो क्रोम इंस्टॉल है क्या आपके, इसमें हाँ है ना सर। दिखाओ, ओपन करो। ये चालू हो गया सर। यहाँ पे डालो लोकल होस्ट कोलन 8080 प्रोजेक्ट 1। कोलन 8080 वो कॉपी करो, नहीं तो कॉपी भी नहीं होता क्या? कुछ नहीं हो रहा है सर। ओके ये इंटरनेट एक्सप्लोरर देखो, ये देखो एक वो बार, डिफॉल्ट क्रोम करके फिर दोबारा रन किया तो इधर आ। ठीक है अब रहने दो, टाइम लगेगा।
एक काम करो, क्रोम ओपन करो, मैं बताता हूँ। क्रोम ओपन किया था, स्लैश हटा दो, कोलन 8080 जीरो स्लैश स्लैश प्रोजेक्ट वन कैपिटल पी है, देखो इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करना है, एक मिनट, सेम ही है ना, प्रोजेक्ट वन ही है क्या? प्रोजेक्ट सर स्लैश है बात है। यस सर वन ही है ना? हाँ, स्लैश क्रोम स्लैश स्लैश एंटर, यहाँ पे देखना। वो ब्राउजर का प्रॉब्लम है। हाँ, ब्राउजर का प्रॉब्लम। सर ऐसा हो जाता है फिर बाद में। वो देखो फिर, आप अभी एरर निकालो उसके, एरर निकालो अभी, एसक्यूएल के एरर है कुछ। इसके अब ये आपका काम है, निकालना है। अच्छा, और मैं 3307 यूज कर रहा हूँ सर, लोकल होस्ट, ये तो चालू नहीं देखो हो ना, रहा है। आपने कनेक्शन कैसे बनाया, किसके साथ, किसके अंदर आपने डेटाबेस जो बनाया था वो 3307 पे बनाया है, 3306 उसी का कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो हाँ 3307 में बनाया सर। देखो देखो एरर देखो और फाइंड आउट करो वो क्या है, अब ये नहीं देखेंगे अब वो MySQL का पार्ट। ठीक है, चलो करो, क्या थोड़ा काम है मुझे हाँ जी, जाना है। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर।